महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के काव्य ग्रंथ को पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा था। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणिक हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन आज के आधुनिक इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते। वहीं कुछ लोगों का यह अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं घटित हुई थी। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद हैं जिनसे यह पता चलता है कि महाभारत असली है। आज हम आपको महाभारत काल के सबूतों के बारे में जानकारी देंगे। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच से यह पता चलता है कि यह 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंहवी धार के नीचे बसा राजनोड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहां पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहां पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहां मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में सुना होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे चलाता है वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता है। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में यह सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। रामायण में यह अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता है। अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया, फिर इसका परीक्षण किया। धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने माना इस तरह के शस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किए गए थे। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका का राजा कहा जाता है, और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जल में डूब गई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यही द्वारिका नगरी है, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। लाक्षाग्रह। महाभारत काल में लाक्षाग्रह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लाक्षाग्रह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। महारथी कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन ने उपहार में भेंट किया था। आज अंग देश को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्से को कर्ण को देने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों का स्थान वही है जहां कल था। इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इस बात से भी आप इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी होगी वह यह भी जानते होंगे कि इसमें ज़्यादातर श्लोक दो लाइन में लिखे गए हैं। आप किसी भी श्लोक को पढ़ें और समझें तो वह कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं। जैसे गागर में सागर। गीता में जो बात लिखी है वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती। भले ही मानव सभ्यता का काफ़ी विकास हो गया हो, लेकिन आज भी गीता में वह ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता।
जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। यह सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, इसका मतलब महाभारत भी हुआ था। घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता था कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तभी यह बात उठने लगी कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। कर्ण ने अपनी शक्ति से उसे मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत की उन सबूतों में से एक है जो इसके होने का वास्तविक सबूत है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, जिस कारण उसे कोई हरा नहीं पाता था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। इतिहास में तो यह भी लिखा है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को उनका शब्द भेदी बाण चलाना सिखाया था। आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को कपट नीति अपनाकर मार दिया गया था, तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सोते समय वध कर दिया था। फिर अर्जुन गुस्से में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अबोध बालकों और स्त्री की हत्या को अधर्म बताकर गुस्से में आकर अश्वत्थामा के माथे से मणि को निकाल लिया और कलयुग के आखिर तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।